नमस्कार खेडूत मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प में तमारू स्वागत छे। पीएम किसान योजना में सौथी मोटो फेरफार, सौथी मोटी माहिती सामे आवी छे। शुं हजु सुधी तमने नथी मळ्या पैसा? अत्यार सुधी देशना करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजना हेठळ पैसा मळ्या छे। थोड़ा दिवस पहला ज पीएम किसानों दसमो हप्तो 10.57 करोड़थी पण वधु खेडूतोना खाता में पहुंची गयो छे। अत्यारे 2 करोड़ खेडूतोनी डिसेम्बर थी मार्चनो हप्तो पेन्डिंग छे, कारण के पीएम किसान सन्मान निधि योजना हेठळ 12.44 करोड़थी पण वधु खेडूत परिवार रजिस्टर छे। 2 करोड़ खेडूतोने डिसेम्बरनो हप्तो एटले के दसमो हप्तो नथी मळ्यो। आ खेडूतोने पीएम किसानना पैसा नथी मळ्या, तो तमे जाणी शको छो के केम तमने आ हप्तो नथी मळ्यो। तो अत्यार सुधी पीएम खेडूत योजनाना पैसा मळ्या नथी, तो थोड़ा जरूरी काम फटाफट पतावी लो, जेना माटे पीएम किसानना टोल फ्री नंबर उपर अथवा हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करी शको, अथवा अहींथी तमने जानकारी मळशे के तमारो हप्तो अटकेलो छे, तेनुं कारण शुं छे। तेना माटे तमारे तमारुं स्टेटस पहेला जाणवुं पड़शे। सौथी पहेला pmkisan.government.in उपर जवानुं छे। आ वेबसाइट ओपन करी तमारे एक लिंक फॉर्म्स कॉर्नर देखाशे, आ लिंक उपर क्लिक करशो, आधार एडिटनी एक लिंक देखाशे, ज्यां तमे क्लिक करवी पड़शे। त्यार पछी तमारी सामे पेज खुलशे, तेना उपर तमारे आधार नंबर क्रेक करी शको छो। जो खातामां संख्या खोटी भरवामां आवी छे अने तमे पोतानी खाता संख्यामां कोई परिवर्तन करवा इच्छो छो, तो तमने कृषि विभाग कार्यालय अथवा एकाउंट पासे संपर्क करवो पड़शे। तो आ रीते तमारे तमारा फेरफार करी शकशो। तमारुं आधार कार्ड जे छे ते लिंक करावेलुं न होय तो ते तात्कालिक तमारे करवुं पड़शे। अने तमारुं स्टेटस जाणवुं होय तो पण तमे फार्मर कॉर्नरनो विकल्प पसंद करी बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन क्लिक करी त्यांथी तमे गेट डेटा उपर क्लिक करो एटले तमने तमारुं स्टेटस मळी जशे। तमारे नजीकना VC अथवा तो कोईपण CSC सेंटर उपर जई अथवा इंटरनेटना जाणकार व्यक्ति पासे जई तमारे मैं तमने स्टेप जणाव्या તે pmkisan.government.in ઉપર જઈ અને તમારે ફોર્મમાં કરેક્શન કરવાનું રહેશે। એકાઉન્ટ નંબરમાં ભૂલ હોય, આધાર કાર્ડ ડિટેલમાં ભૂલ હોય એ સુધારી લેવાની રહેશે, એટલે તમને તમારો હપ્તો મળી જશે। એક નવી માહિતી સામે આવી છે કે 2022માં 1 ફેબ્રુઆરીના આ બજેટમાં ખેડૂતો માટે મોટો નિર્ણય કરવામાં આવશે। 6000ની જગ્યાએ 8000 રૂપિયા પીએમ કિસાન અંતર્ગત આપવામાં આવી શકે છે। એક હપ્તો વધારવામાં આવશે, એટલે કે 3 હપ્તાની જગ્યાએ તમને 4 હપ્તા મળશે 2000 રૂપિયાના। તો ખેડૂતો માટે સૌથી મોટો નિર્ણય થઈ શકે છે। ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવા માટેની ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા અવારનવાર રજૂઆત કરવામાં આવે છે। 2022ની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને 50% જેટલું ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવે તો પણ એક મોટા સમાચાર કહી શકાય। તો બસ ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી યોજના સાથે। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો।